हे व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ सिद्धिक अली और आप देख रहे हैं टेक्नोफिटर्स। व्यूअर्स, आज बात करेंगे कि पप्पान से जो भी रूम बनता है उसमें टेम्परेचर के अनुसार कौन सा रूम पे कितना टेम्परेचर रहता है और उस टेम्परेचर के हिसाब से उस रूम का नाम क्या होता है और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितना mm थिकनेस का पप्पान यूज़ किया जाता है। तो फटाफट जान लेते हैं व्यूअर्स। पहले बात करेंगे एक नंबर पर, वो है स्टीम रूम। बस स्टीम रूम जो है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है प्लस 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आपको मिनिमम पॉपकॉर्न यूज़ करना पड़ेगा 60 mm का। और क्योंकि ये जो स्टीम रूम है ये फूड इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बेकरी इंडस्ट्री हो या आपका बिस्किट इंडस्ट्री हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फूड का मसला रहता है। फूड ग्रेड के लिए यहाँ पे SS का पॉपकॉर्न आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहे तो वन साइड SS ले सकते हैं या दो साइड SS ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको वन साइड SS का पैनल लेना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो स्टीम रूम है यहाँ पे 60 mm थिकनेस का पॉपकॉर्न लगेगा और टेम्परेचर रहेगा प्लस 40 डिग्री सेल्सियस। बस दो नंबर पे बात करेंगे कूल रूम। कूल रूम जो होता है यहाँ पे आपका नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तो ये टेम्परेचर आपका प्लस 18 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस 25 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ किया जाता है और यहाँ पे आप मिनिमम 30 mm का पॉपकॉर्न यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आपके ज़रूरत के अनुसार। जैसे कि अगर ज़्यादा हाइट का रूम है तो आपको ज़रूर थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर आप 6 मीटर तक जाते हैं आपका रूम, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 80 mm का थिकनेस लेना पड़ेगा। अगर आपका रूम का हाइट कम है तो आप यहाँ पे 30 mm या 40 mm पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चिलर रूम। बस चिलर रूम और कोई इस रूम को कोल्ड रूम भी बोलते हैं, तो दोनों रूम सेम है, चाहे चिलर रूम बोलिए या कोल्ड रूम बोलिए। यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है प्लस 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर प्लस 8 डिग्री सेल्सियस तक और यहाँ पे पॉपकॉर्न लगाया जाता है 80 mm थिकनेस का। और रहा बात SS का, तो अगर आप ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ होगा तो उस फूड के ज़रूरत के अनुसार फूड ग्रेड का SS लग सकता है, नहीं तो आप नॉर्मल पैनल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको टेम्परेचर मेंटेन रहेगा आपका प्लस 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक। जैसे कि आपका चाहे अंडा हो या आपका आलू हो या गाजर हो या बीट हो या मिठाई हो, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है यह प्लस 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक सेल्सियस यूज़ किया जाता है इस रूम पे और पॉपकॉर्न मिनिमम 80 mm थिकनेस का आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं फ्रीजर रूम। व्यूअर्स, फ्रीजर रूम जो है यहाँ पे इस रूम पे आपको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है माइनस 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस 22 डिग्री सेल्सियस। वो अलग इंडस्ट्री के लिए अलग टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो माइनस 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस 22 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। और इस रूम के लिए मिनिमम आपको चाहिए 125 mm का पॉपकॉर्न। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है, 125 mm का जो पॉपकॉर्न है ये मैक्सिमम कंपनी बनाते नहीं है, इसीलिए मजबूरन उनके पास से 120 mm थिकनेस का पॉपकॉर्न लेना पड़ता है। तो आप मिनिमम नहीं मिलता है, इसीलिए आप 120 mm का पॉपकॉर्न यूज़ कर सकते हैं। अगर मिलता है तो मिनिमम आप 125 mm थिकनेस का पॉपकॉर्न लीजिएगा। अगर आप 150 mm यूज़ कर पाएंगे थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन अगर यूज़ कर पाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके बाद आता है ब्लास्ट फ्रीजर। बिकॉज ब्लास्ट फ्रीजर जो है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है माइनस 35 से लेकर माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका जो पैनल का थिकनेस होगा वो मिनिमम 150 mm थिकनेस का होना चाहिए और मैक्सिमम आप 200 mm का लगा सकते हैं कि उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, लेकिन मिनिमम आपको 125 mm का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी फूड वाला बात आ जाता है, अगर आपका फिश फैक्ट्री है तो उसके लिए भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वहाँ पे SS मास्ट है क्या। अगर SS का कंपलसरी होता है तो आपको वन साइड SS लेना पड़ेगा, दूसरा साइड मतलब आउटर साइड जो है वहाँ पे PCGI शीट का ले सकते हैं, और अगर नॉर्मल है तो आप दोनों साइड ही PCGI यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, और एक रूम आता है तो वो है एंट्री रूम। व्यूअर्स, एंट्री रूम जो होता है ये जो आपका मेन रूम होता है इसके सामने दरवाजे के साथ एक छोटा रूम बनाना पड़ता है ताकि बाहर से जो डायरेक्ट गर्म हवा है वो अंदर ना आ जाए और अंदर का जो भी कूलिंग है, जो ठंडा हवा है, ये आपका निकल ना जाए डायरेक्ट। इसीलिए क्या होता है, मेन रूम के सामने एक छोटा
रूम बना दिया जाता है जिसको एंट्रीम कहा जाता है। और ये एंट्रीम जो है वो जरूरत के हिसाब से उसका थिकनेस भी चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली आप 60 एमएम से लेकर 80 एमएम तक यूज़ करते हैं इस एंट्रीम पे, और यहाँ पे +2 डिग्री से लेकर +10 डिग्री तक यूज़ होता है। तो व्यूअर्स, ये जो जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ जरूर आपको अच्छा लगा होगा। और पपैनल के ऊपर और ढेर सारा वीडियो देखने के लिए या पपैनल के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक्नोफिटर्स। और व्यूअर्स, ये हमारा बोर्डलाइन नंबर है, यहाँ पे आप फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं कभी भी।